दे दो भाई, दे दो सारे जितने भी बेस्ट एक्ट्रेस ओटीटी के अवार्ड्स है ना, वो बस सुष्मिता सेन को दे दो। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। मैं हूं मुर्तजा इकबाल और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं आर्या सीजन 3 का। वन लाइफ ट्वाइस द स्ट्रेंथ, इट्स टाइम फॉर राउंड 3। वेल, अगर आर्या सीजन 3 की मैं बात करूं तो फर्स्ट सीजन आया था 2020 में, उसके बाद सेकंड सीजन आया 2021 में, अब 2023 में आ रहा है सीजन 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से दिस कि यू नो अर्लियर दिस ईयर, कुछ महीने पहले ही हमने सुष्मिता सेन को ताली में देखा था, जिसमें उन्होंने एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर प्ले किया था। शी वॉज फैंटास्टिक इन इट। और अब आया है आर्या 3। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि बेस्ट एक्ट्रेस तो ओटीटी के जितने भी अवार्ड है वो सुष्मिता को ही मिलने चाहिए, फॉर ताली एंड नाउ फॉर आर्या 3। सो आर्या 3 की अगर मैं स्टोरी की बात करूँ, सो अगर आपने पिछला सीजन देखा था तो नंदिनी नाम का एक कैरेक्टर था जो मर जाती है, एंड नाउ नंदिनी का हस्बैंड है सूरज, जो आर्या से अपनी बीवी का मर्डर का बदला लेना चाहता है। इन ऑल दीज थिंग्स, अमिड ऑल दीज थिंग, आर्या ऑल्सो गेट्स इन्वॉल्व इन टू रशियन ड्रग माफिया थिंग। और किस तरीके से, ऑफकोर्स वंस अगेन, वो सूरज और रशियन ड्रग माफिया से अपनी फैमिली को किस तरीके से वो प्रोटेक्ट करती है, दैट फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। जो हमेशा आई थिंक आर्या का सबसे मेन एलिमेंट यही रहा है, दैट हाउ शी प्रोटेक्ट्स हर फैमिली। फ्रॉम सीजन 1 हम यही देखते आ रहे हैं, एंड सीजन 3 का भी ऑफकोर्स बेसिक प्लॉट लाइन वही है, दैट हाउ शी प्रोटेक्ट्स हर फैमिली। नाउ आई हैव टू से कि सीजन 1 जो था ना वो बहुत अमेजिंग था। आई मीन इट वॉज समथिंग नेवर सीन बिफोर, एटलीस्ट इन इंडियन ओटीटी। सुष्मिता सेन का एक्टिंग कम बैक था, बहुत सालों बाद वो आई थी, एंड इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस उन्हें दिया था दैट पीपल जस्ट लव्ड हर, और उसके लिए उनको अवार्ड्स भी मिले थे। नाउ जब सीजन 2 आया तो यू नो मे बी कुछ लोगों को लगा कि वो थोड़ा स्लो था, थोड़ा स्ट्रेच था, लेकिन पीछे के जो एपिसोड्स थे वो बहुत अमेजिंग थे, पर आगे के एपिसोड्स में थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम लगा था। बट अगर मैं सीजन 3 की बात करूँ ना, तो फर्स्ट सीन से लास्ट सीन तक इट्स लाइक एंगेजिंग एंड थ्रिलिंग। मतलब आपको रहेगा एवरी 10 मिनट्स तक कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, नहीं लाइक अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यही आपका रिएक्शन होता है, मैं बताना चाहता हूँ। ऑल्सो आई वांट टू रिवील दैट सीजन 3 दो पार्ट में लाया जाएगा। फर्स्ट पार्ट हैज 4 एपिसोड्स और सेकंड पार्ट लेटर रिलीज होगा, तो अभी जो ये रिव्यू हो रहा है वो फर्स्ट 4 एपिसोड्स का हो रहा है। एंड आई हैव टू से कि ये फर्स्ट 4 एपिसोड्स सीरियसली अमेजिंग है। आप एक्चुअली वो जो 4th एपिसोड एंड होता है ना, उसके बाद आपको लगता है यार ये क्यों पार्ट 2 ला रहे हैं, अभी दिखा दो, वी वांट टू नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। इतना अमेजिंगली बनाया गया है, इट्स लाइक एज आई सेड स्टार्ट टू एंड एंगेजिंग, थ्रिलिंग, एज ऑफ द सीट मोमेंट्स बहुत है। सो आई हैव टू से राम माधवानी, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री, एंड ही हैज वंस अगेन प्रूव दैट। सुष्मिता की तो मैं बात करते ही आ रहा हूँ कि यार अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बोल सकता हूँ कि उनका अवार्ड्स दे दो, शी इज फैंटास्टिक एज आर्या, एंड आई वॉन्ट टू सी व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट उनकी आर्या की जर्नी में। जो कुछ एपिसोड्स बाकी है वो जब आएंगे तब हमें देखने मिलेगा कि यू नो क्या होगा, उनके कैरेक्टर को किस तरीके से वापस शेप किया जाएगा, बिकॉज हमें कुछ वो यू नो अपकमिंग वाले में ग्लिम्सेस दिख जाते हैं, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट एपिसोड्स टू कम एंड वॉच सुष्मिता इन इट। और सुष्मिता को छोड़ के अगर मैं किसी और की बात करूँ तो जो वीर का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनके बेटे का कैरेक्टर, उन्होंने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया है उस एक्टर ने। एंड सपोर्टिंग एक्टर्स भी जैसे इंद्रनील सेनगुप्ता, ईला अरुण, माया सराव, ये सब भी अपने रोल में बहुत ही अच्छे हैं। सिकंदर खेर इसमें काइंड ऑफ जो फर्स्ट 4 एपिसोड्स की अगर मैं बात करूँ तो उनका ज़्यादा स्कोप है नहीं, स्क्रीन टाइम है नहीं, मे बी इन द सेकेंड पार्ट उनको एक बहुत ही अच्छा स्कोप दिया जाएगा, आई एम वेटिंग फॉर इट। सो टू एंड इट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि भाई आर्या सीजन 3 का पार्ट 1 इज जस्ट अमेजिंग। आप लोग जाओ देखो, आज स्ट्रीम होना शुरू हो चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, सो जस्ट गो एंड वॉच इट। आई एम गोइंग विद 3.5 स्टार्स।